अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवान शेख। आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूं पाकिस्तान रेलवे में जॉब अवेलेबल है। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस में जॉब्स अवेलेबल हैं। जी हां, ये आपके सामने एक इश्तहार शो हो रहा है जिसमें आपको आसानी से पोस्ट नज़र आ सकती हैं। कौन सी कितनी पोस्ट हैं, फॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मांगा है, 3 ईयर्स इनका डिप्लोमा एसोसिएट हो, DAE की डिग्री हो और रिकग्नाइज बोर्ड से हो, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी स्किल फिटर ऑटो डीजल है, स्किल इलेक्ट्रिकल वायरमैन है, वेल्डर PPS है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और ये एक और पोस्ट है मुआवन। ये मुझे आइडिया नहीं इसका, ये कौन सी है मुआवन, तो ये भी है। तो आप लोग देखें जिस चीज़ के लिए सुटेबल है आप क्वालिफाई करते हैं, जिस पोस्ट के लिए उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान सा है। इसके लिए आपने कोई फॉर्म फिल नहीं करना, कोई फॉर्म सबमिशन नहीं कराना है। आपने अपनी एक CV क्रिएट करनी है। एप्लीकेशन प्लस CV टाइप का एक फॉर्मेट होता है जो जिसमें आप अपनी डिटेल लिखेंगे। इधर आपको मेंशन किया हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट स्पेसिफिकली मीट द क्राइटेरिया शुड अप्लाई विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ 100 DG sets 350 एंड 100 KVA पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिस लाहौर अलॉन्ग विद CV रिज्यूम अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल एग्जाम्पल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स रिसेंट फोटोग्राफ डोमिसाइल एंड CNIC। तो ये आपने जो है 20 दिन के अंदर अंदर इस एडवर्टाइज के आपने इसको पोस्ट करना है। इनके बताए गए एड्रेस पे अपनी एक CV बना के रिज्यूमे अपना एप्लीकेशन के साथ क्रिएट कर लें, उसमें पोस्ट मेंशन कर दें, लाजमी पोस्ट मेंशन करें और इस एड्रेस पे बताए हुए इनको एड्रेस कर दें। इंजीनियर अंजुम शहजाद और डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टेक्निकल, इस एड्रेस पे ये TCS करा सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी आप इसको इस एड्रेस पे TCS करा सकते हैं। तो डियर, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका है। जो अप्लाई करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान रेलवे में और इस क्राइटेरियो पे मीट करते हैं, तो वो ज़रूर अप्लाई करें और अब एक चांस लें कि क्या पता आपके लिए जॉब अवेलेबल हो जाए और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं।